Sir, a woman, whatever age she belongs to, wherever she comes from, and whatever post she holds, and wherever she sits, they continue to be insulted, and even in this house of democracy, women are continued to be insulted and made to feel small. I condemn this. This cannot go on, and definitely bringing the reservation and bringing more women's reservation and bringing more women into this house will add to the strength of women, and I'm sure we are with the government to support the bill when they bring it, and it's unacceptable that somebody can insult a fellow parliamentarian like this. And if the state of women inside this house is this, then we can understand how these very same people will be treating women outside the parliament and what the state of affairs outside this house can be. I condemn this again, and I stand with the parliamentary member. सभी पुरुष यहाँ पर जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि आपके बिना हमारी जिंदगी नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों से कमजोर हैं. अगर लड़ने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पे बैठे हुए, पक्ष अलग होगा, पार्टी अलग होगी, हम सब एक होकर महिलाओं के प्रश्नों के लिए सब लड़ेंगे. और इससे उन्हें आपने स्ट्रिक्टली, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे से कि आप मेरी छोटी बहन लगती हैं. अरे बहन के सामने अगर झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता. तो भाई ने अगर झुक के दो शब्द बात कर लिए होते और सॉरी बोलते तो शायद आज वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते. तो मैं, हमारी कोई भी महिला यहाँ इस सदन में बैठी हूँ तो मुझे लगता नहीं कोई भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, इसके विरोध में हमेशा रहेगी. फिर पार्टी इज नॉट मैटर, इट इज जस्ट अ फीमेल सपोर्टर, बिकॉज हम बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी. Thank you, sir. Sir, yesterday I was present when this massacre was going on. I just want to tell one little thing, that when I first came in this parliament, everybody respected me, everybody welcomed me with open hearts, and that was what I was learning. But yesterday when I was present here, and I had been called the youngest MP, this, that, but all I want to say that, sir, this is a learning process, and what happened yesterday, that cannot be a part of my learning process, which I as a woman am learning every day. This cannot be, apart from any political difference which we have, we fight, but this should be unanimous. We should fight for it totally. Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. Right? You might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing. And I think you should come up with something like that, which we all are looking forward. All women right here are expecting something big from you right now. Thank you so much, sir. अच्छा, आप अच्छा अनुप्रिया जी बोलना चाह रहे हैं. जल्दी दो, जल्दी शुरू दो. माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो इस सदन में हुआ उससे ये लोकतंत्र का मंदिर, ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है. और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, वहां हमने कैसे नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं. और मुझे लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है, चुनकर आए होंगे, आज उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का सर शर्म से झुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ चुनकर भेजा है. हमारी रमा देवी जी पार्लियामेंट की, लोकसभा की सीनियर मेंबर है, सीनियर एमपी है, और मैं जब उनको देखती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो मुझे उनके अंदर अपनी माँ का तत्व नजर आता है. हो गया. और हम लोगों से जब भी वो बात करती हैं, तो एक माँ के समान स्नेह हमको देती हैं. शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन. वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वॉट एवर हैज हैपेंड इन दिस पार्लियामेंट इज वेरी अनग्रेटफुल. और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी. पूरा सदन आपसे मांग करता है, मैं महिला होने के नाम से आपसे मांग कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आप खामोश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सदन खामोश रहा
अध्यक्ष जी अब बैठिए, अब बैठिए, हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र का मंदिर और उसके अध्यक्ष जी आपकी आपने अनुमति दी इस विषय पे अपने आइडियाज को शेयर करने की। हमारे सभी मानद सदस्यों ने इस विषय को उठाया।